वेलकम बैक। बलूचिस्तान के अमन पर एक बार फिर दहशतगर्दी का वार। मच में शेरपसंदों ने फायरिंग करके 10 कानकनों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक हजारा बरादरी से है। दुश्मन को पाकिस्तान का अमन बर्दाश्त नहीं। कभी कंट्रोल लाइन, कभी एलओसी और कभी शहरों में कार्रवाइयां। अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान के जिला बुलान की तहसील मच के इलाके गुश्तरी में पेश आया, जहां कानकुन अपने काम पर जा रहे थे कि दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 7 कानकुन मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कार्रवाई के बाद दहशतगर्द नामालूम सम्त फरार हो गए। बाकी की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुँची और जख्मियों और लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। मकतूल कानकुनों का ताल्लुक क्वेटा से है। फायरिंग के वाकये के बाद लेविस और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्चिंग और स्वीपिंग का अमल शुरू कर दिया। चंद माह के दौरान बलूचिस्तान में तशद्दुद और बदामनी की नई लहर उठी है। चंद रोज कबल आबारान में 7 सिक्योरिटी अहलकार शहीद कर दिए गए। सानेह मच के खिलाफ लवाहिकीन का क्वेटा में एहतजाज जारी है। मुजाहरीन ने मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहरीन ने इंसाफ की फरहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़, बताइएगा मुजाहरीन का एहतजाज जारी है। देखें, इस साने के खिलाफ हजारा बरादरी की जानिब से आज दो मुख्तलिफ मुकामात पर यह एहतजाज शुरू किया गया था। एक धरना जो था क्वेटा में मगरबी बाईपास के इलाके में, यहाँ पे जो मुश्तैल अफराद है उनकी जानिब से शुरू किया गया, जबकि दूसरा धरना मच के इलाके में जो कौमी शाहरा है वहां पे ये जारी था। कई घंटों के बाद वहां पे इंतजामिया के साथ जो मुज़ाकरात किए गए, चूंकि लाशें क्वेटा मुंतकिल की जानी थी और वाहिद रास्ता वही था, तो उसकी बंदिश की वजह से आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना था। इस पे इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए और जो मुजाहरीन थे उनके साथ ये जो मुज़ाकरात थे ये जब कामयाब हुए तो वो शाहरा जो है वो इस वक्त खोल दी गई है और लाशें तमाम क्वेटा मुंतकिल कर दी गई है। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि अभी क्वेटा में एक इजलास होने जा रहा है हजारा कबीले का, जिसमें आइंदा का जो हिकमत अमली होगी इस हवाले से वो मरतब की जाएगी और ये जो एहतजाज है इस पे हुकूमत से भी राबता किया जाएगा ताकि दहशतगर्दी की ये जो नई लहर है इससे निपटने के लिए कोई ऐसे मौसर इंतजाम किए जाए ताकि इस नौत के वाकत दोबारा जो है क्वेटा में रोनमान न हो। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़।